बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को साकार करने में जुटे पुष्कर की विदेशी संस्था फाउंडेशन फॉर द लोटो इंडिया की ओर से शनिवार को संस्था की 609 बालिकाओं को दीपावली का उपहार मिला। स्थानीय माली मंदिर में आयोजित समारोह में जयपुर के म्यूजियम द सिटी पैलेस की ट्रस्टी रमा दत्त, वरिष्ठ पत्रकार दीनबंधु चौधरी और संस्थापिका मारा सांद्रा ने इन बालिकाओं को दीपावली के मद्देनजर फैंसी ड्रेसेस भेंट की। समारोह के तहत 31 वर्ष की महिलाओं को पेंशन, 60 लोगों को खाद्य सामग्री और आवश्यकता की वस्तुएं भेंट की गई। समारोह को संबोधित करते हुए रमा दत्त ने संस्था के कार्यों की तारीफ करते हुए इसे सबसे बड़ा सेवा का कार्य बताया। ज्ञात रहे कि संस्था पिछले करीब 15 सालों से बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान कराने के साथ साथ गरीब लोगों को आवास, पेंशन और जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराकर जन कल्याण के कार्य कर रही है। संस्था की ओर से अब तक गरीब परिवारों को 18 आवास, बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए संपूर्ण खर्च सहित आर्थिक रूप से कमजोर गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का निशुल्क इलाज करा चुके हैं। संस्था के अध्यक्ष दीपू महर्षि ने सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। And for 60 family food package. How long but amount about the whole expenses in a year? In 1 year it is better than me because today or 1 year? In 1 year it is. 1 year around 70 lakhs rupees. 70 lakhs rupees. Because I know in my currency, now it is currency. मेरी तो आंखें खुल गई ये देखकर कि ऐसा इतना शानदार कार्यक्रम जिसके अंदर अपनापन झलकता है, कोई आडंबर नहीं, कोई बनावटीपन नहीं और स्वच्छ और स्पष्ट बच्चों की सेवा करना, उनको वास्तव में आगे बढ़ाना, यही हम लोगों का ध्येय है जो बहुत सफलता में है। मुझे उम्मीद है कि ऐसी जगह शिक्षा पाकर बच्चे लोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और इस तो एसोसिएशन को पूरा जिंदगी भर याद रखें और ये बात लोगों से भी कहेंगे कि पुष्कर में ऐसा एसोसिएशन भी है। दीपावली फैंसी ड्रेस वितरण समारोह किया गया है जिसमें आज मुख्य अतिथि रमा दत्त जी हैं, किसी कारणवश वो लेट हो गए, जिसकी अध्यक्षता दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक श्री दीनबंधु जी चौधरी ने करी। इसके अलावा 60 बच्चियों को 1500 रुपये के चेक दिए गए, 60 परिवारों को खाद्य सामग्री और 31 वृद्धजनों को 400 रुपये के वस्त्र वितरण किए गए। इसके अलावा दिव्यांग विष्णु नायक को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। क्या नई योजना फाउंडेशन फॉर द लोटो द्वारा एक बालिका निर्मा गिरी को मकान बना के दिया जाएगा, वे दो बालिकाओं को समता रावत और लक्ष्मी रावत को रसोई घर बनवा के। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।